दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से थप्पड़खंड में आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी फंस सकते हैं। केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन के मैजिस्ट्रेट के सामने दी गई गवाही के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले में साजिश रचने की धारा 120B भी जोड़ दी है। आपको ये बताएंगे कि थप्पड़कांड पर आम आदमी पार्टी के विधायकों का क्या कहना है, लेकिन पहले ये देखिए कि कैसे केजरीवाल की मुसीबत बढ़ गई है। मुख्य सचिव से मारपीट में आपके दो विधायक जेल में। केजरीवाल के सलाहकार की गवाही से मुश्किल में सीएम। वीके जैन के बयान के बाद थप्पड़ कांड में आया साजिश का एंगल। क्या आप केजरीवाल और सिसोदिया से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस? चीफ सेक्रेटरी थप्पड़ कांड की तपेश अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक पहुंच गई है। केजरीवाल के सबसे खासम खास अफसर और सलाहकार वीके जैन के खुलासे और मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान के बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर साजिश करके चीफ सेक्रेटरी को रात के 12 बजे बुलाने और विधायकों से पिटवाने का आरोप लग रहा है। आपको सबसे पहले दिखाते हैं केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन का बयान। सीएम साहब ने रात 11:25 पर पूछा क्या मुख्य सचिव साहब आ रहे हैं या नहीं। मैं रात 11:30 पर अपने घर से निकला और मुख्य सचिव साहब को फोन किया। मैंने सीएम साहब को कंफर्म किया कि मुख्य सचिव आ रहे हैं। मैं रात 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। मुख्य सचिव 12:05 पर सीएम आवास पहुंचे। मैं मुख्य सचिव को मीटिंग रूम में बिठाकर वॉशरूम चला गया था। जब मैं वापस आया तो देखा कि दोनों आरोपी विधायक मुख्य सचिव साहब को मार रहे हैं। मुख्य सचिव साहब का चश्मा नीचे गिर गया, फिर वो मीटिंग रूम से बाहर चले गए। मैं मुख्य सचिव को रोकने के लिए उनके पीछे गया, लेकिन वो नहीं रुके। फिर मैं अपने घर चला गया। अरविंद केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन के इसी बयान के बाद दिल्ली पुलिस ने थप्पड़ मामले में साजिश रचने की धारा 120B जोड़ दी है। चूंकि ये मीटिंग केजरीवाल के घर पर हो रही थी और मुख्य सचिव के शिकायत में इस बात का साफ साफ जिक्र है कि मीटिंग में खुद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। ऐसे में वीके जैन के ताजा बयान से केजरीवाल बुरी तरह फंस गए हैं। कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट दी थी उसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो एलिगेशंस थे, जो उनकी शिकायत थी, उसके बेसिस पे हमने ये सेक्शंस ऐड किए हैं। हर सेक्शन को इन्वेस्टिगेशन में हम एग्जामिन करेंगे वो कहाँ स्टैंड करता है। मुख्य सचिव ने अपनी शिकायत में ये कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन ने ही लगातार उन्हें बार बार फोन कर रात 12 बजे मीटिंग के लिए बुलाया, और वीके जैन ने अपने बयान में भी इस बात का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के कहने पर ही उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को फोन किया और मीटिंग के लिए रात 12 बजे बुलाया। अब आरोप ये लग रहे हैं कि केजरीवाल ने साजिश के तहत मुख्य सचिव को बुलाया और उनके सामने ही विधायकों ने अंशु प्रकाश की पिटाई कर दी। दिल्ली पुलिस के अधिकारी खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि केस की जांच में जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। FIR में जो मेन एलिगेशन दो विधायकों के ऊपर था, जो दोनों अगल बगल बैठ के बैठे थे और मारपीट जिन्होंने की, और तो उन पर कानूनी कार्रवाई हुई है और गिरफ्तार हुए हैं और कोर्ट में मामला चल रहा है। बहरहाल बाकी और लोगों से, ताकि सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स के बारे में वेरिफिकेशन एंड रीवेरिफिकेशन हो इन्वेस्टिगेशन के आगे बढ़ने में, वो कवायद चल रही है। दिल्ली पुलिस 19 और 20 फरवरी की रात केजरीवाल के घर पर मौजूद विधायकों और बाकी लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि केजरीवाल पर साजिश के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अगर जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंची तो दिल्ली सरकार पर संकट खड़ा हो सकता है। इस पूरे मामले के अंदर हालांकि अभी साफ तौर पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उसके हिसाब से अगर जरूरत पड़ेगी तो 120 के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ का सिलसिला चल सकता है। अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।
मारपीट के आरोपी विधायकों को कल अदालत ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। ये हुआ केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन के मैजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान के बाद। आपको बताएंगे कि वीके जैन कौन हैं और कैसे उनके बयान के बाद थप्पड़बाज विधायकों का केस पलट गया। लेकिन पहले दिखाते हैं उन विधायकों का पक्ष जो मुख्य सचिव के साथ मीटिंग में मौजूद थे। कुछ नहीं हुआ, वो आए, हमने उनसे राशन के बारे में बात की। वो जो है हमसे बदतमीजी करके, हमारे विधायकों से बदतमीजी करके, प्रकाश जड़वाल से और अजय दत्त से बदतमीजी करके चले गए। 60 मिनट के अंदर अंदर वो अंदर भी आए, बाहर भी चले गए। बाहर जाकर जो प्लांटेड स्टोरी थी भाजपा की, उसको उन्होंने रच दिया। तो किसी तरीके की गहमा गहमी भी नहीं हुई बातचीत? कुछ नहीं, भाजपा साजिश कर रही है। उस वाक्य में जो बाबू है अंजुल प्रकाश जी, उन्होंने बदतमीजी की और हम लोगों से बदतमीजी की, उसमें कहा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं हमसे बात करने की। बात डिस्कशन बातों बाती हुई है, उसके बाद वो अपना तेवर दिखा के चले गए। गाल उन्होंने इतने गलत वर्ड यूज किए, मैं बता भी नहीं पाऊंगा। राशन के मुद्दे पे बहस हुई तो वो बड़ा मतलब एजिटेट होकर उन्होंने बात की, या तो हीटेड आर्गूमेंट तो जरूर हुआ मिनट दो मिनट का। और उसके बाद कहा कि मैं आपके लिए एंसरेबल नहीं हूँ, मैं एलजी साहब के लिए एंसरेबल हूँ, मैं आपको जवाब क्यों दूँ, ये कहते हुए ठीक है मैं जा रहा हूँ मीटिंग छोड़ के, मीटिंग बाहर निकल। कई विधायक बाहर आके उनको कहा कि भाई आप अंदर जाके बात कर लीजिए, अगर मान ली हमारी बातों से कोई बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूँ। कुछ नहीं हुआ, बातचीत हुई, गहमा गहमी तो हुई नहीं। हो तो अपने, वो तो अपने उठ के चले गए, मैं कोई जवाब दे नहीं हूँ, ये वो बोलते हुए निकल गए वो, बस इससे ज्यादा हुई नहीं, एक मिनट भी मुश्किल से नहीं बैठे वो। तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के विधायकों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस मामले में केजरीवाल के सबसे करीबी वीके जैन ने जज के सामने दी गई अपनी गवाही में कहा कि उस रोज मुख्यमंत्री के सामने विधायकों ने चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट की थी। नाम वीके जैन, पद केजरीवाल के सलाहकार। दिल्ली के सबसे बड़े नौकरशाह के साथ मारपीट को लेकर दिल्ली के सीएम के सबसे करीबी नौकरशाह की इस गवाही ने आम आदमी पार्टी के दो विधायकों के साथ साथ केजरीवाल की भी नींद उड़ा दी है। वीके जैन ने अपने बयान में बताया कि उस रात सीएम हाउस में कौन कौन था, किस बात पर बहस हुई, किस किस ने चीफ सेक्रेटरी पर हाथ उठाया, सब कुछ आपको एक एक कर बताते हैं कि कैसे केजरीवाल के सलाहकार की गवाही ने उनकी पार्टी के विधायकों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। खुलासा नंबर एक, मैंने दो विधायकों को मुख्य सचिव को पीटते देखा। अभी तक सिर्फ चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश ही कह रहे थे कि उनके साथ मारपीट हुई, लेकिन यह पहला मौका है जब कोई और भी कह रहा है कि उस रात सीएम हाउस में चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट हुई थी। खुलासा नंबर दो, मुख्य सचिव अंशु प्रकाश का चश्मा जमीन पर गिर गया। अंशु प्रकाश ने जो FIR दर्ज की है उसमें उन्होंने अमानतुल्ला खान समेत दो विधायकों पर घूसे मारने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से उनका चश्मा नीचे गिर गया था। वीके जैन ने भी अपने बयान में कहा है कि उस रात चीफ सेक्रेटरी का चश्मा जमीन पर गिरा था। खुलासा नंबर तीन, मुख्य सचिव को दोनों विधायकों के बीच में बिठाया गया। चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के FIR की तरह वीके जैन ने भी अपने बयान में बताया कि मीटिंग में मुख्य सचिव को दो विधायकों के बीच में बिठाया गया था।